आपको जब पहली बार ही पता चला कि अब आप आंखों से देख नहीं पाएंगे, तो आपके ऊपर क्या बीती उस समय? देखिए सर, जब मैं फर्स्ट टाइम ब्लाइंड हुआ था तो मुझे तो ऐसा लगा था कि अब तो इसके बाद मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब मुझे घर पे ही रहना है। अच्छा। और मैं इसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो कुछ भी होगा घर वालों के ऊपर डिपेंड रहूंगा, है ना। तो मैं बहुत ज्यादा ही मतलब अंदर से टूट चुका था बहुत ज्यादा। आखिर क्यों आपको अपने घर से बाहर रहना पड़ा? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको यहाँ रहना पड़ा? किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं, हम लोग इनफैक्ट मतलब मैं और मेरे कुछ साथी आए हैं, हम लोग बिजली का काम करने के लिए आए हैं। ये हॉल है पीछे और हम आए हैं अंध विद्यालय में। जैसा कि हम लोग पहले भी दिवाली पे यहाँ आए थे, जब दिवाली पे आए तो इन लोगों ने हमें बोला कि जी हॉल तो बना हुआ है लेकिन उसके अंदर लाइट की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो हमने इनको बोला था कि हम आपको पूरे हॉल के अंदर लाइट्स लगवा के देंगे। तो आज मैं कुछ लोगों को लेके आया हूँ और हम यहाँ पे लगाएंगे लाइट्स वगैरह। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ लाइट्स का अरेंजमेंट करने वाले हैं। ये देखिए, ये हॉल बना है, ये पूरा हॉल है, ये देखिए ये पूरा हॉल है और इसी हॉल में हम लाइट्स के अरेंजमेंट करेंगे। और ये देखिए, हाँ जी, ये लगाएंगे लाइट्स। हेलो हेलो फ्रेंड्स बोलो। सही वीडियो बना रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ के संस्थापक आप यहाँ लाइट्स पूरी लग जाएगी आज। थैंक यू थैंक यू। मैं अच्छी बात है, 5 पंखे कनेक्शन कर दिए और इसके अलावा 2 बाहर लाइट में, जो 4 अंदर। ठीक है जी, ठीक है, अभी सारा करके जाएंगे। और 4 बोर्ड लगाइए और 1 पावर बोर्ड लगाइए, 2 बाथरूम में। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए फ्रेंड्स, काम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारी टीम लग गई है, आज ये लोग पूरा काम करके जाएंगे और मेरे यहाँ से जाएंगे जी। फ्रेंड्स ये देखिए, कुछ हमारे भाई फ़ोन ऑपरेट कर रहे हैं और इनकी आंखें नहीं है, फिर भी फ़ोन को ऑपरेट बहुत अच्छा कर लेते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कुछ। हाँ जी, आपका क्या नाम है? किसका? आपका क्या नाम है? बुधन। बुधन। और आपका क्या नाम है? राधेश्याम। राधेश्याम। तो ये आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? तो सर हमारे छुट्टी, लंच का टाइम है तो थोड़ा बहुत घूम रहे हैं। अच्छा, नहीं, मोबाइल आपके हाथ में, मोबाइल ऑपरेट कर लेते हैं आप? हाँ जी। है? हाँ जी सर। तो ऑपरेट कैसे करते हैं आप? सर हमारे टॉकबैक के द्वारा चलाते हैं हम लोग। किसके द्वारा? टॉकबैक। टॉकबैक के द्वारा ये लोग मोबाइल को ऑपरेट कर लेते हो। तो मोबाइल में आप क्या क्या ऑपरेट कर लेते हो? सर वो जो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब। अच्छा, मैसेंजर, ये सब ऑपरेट कर लेते हो? हाँ यस सर। अच्छा, देख लीजिए। जैसे देखो ऐसा होता है, हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, फोन तो देखो सेम टू सेम एक जैसा ही होता है। हाँ, देखो। हाँ, ये हमारा फोन है, ठीक है। अच्छा, तो इस समय टॉकबैक चालू है। अच्छा, तो एक मिनट लॉक खोलता हूँ मैं। सर बात क्या होती है कि जो फोन तो सब एक ही होते हैं, जो आपके पास है वो भी हमारा ही होता है। मतलब बात ये है, अभी ये आपसे, अभी ये जो है आपसे नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन देखो, अगर हम टॉकबैक को आप इसको आप जो है आसान से चला सकते हो। अब ये आप जैसा हो गया है। अच्छा। अब ये हमसे नहीं जो है चलेगा। तो आप मोबाइल के अंदर क्या देखते हो, सॉरी क्या सुनते हो आप मोबाइल के अंदर? हम सब कुछ चलाते हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया। नहीं, गाने वगैरह सुनते हो? हाँ, गाने वगैरह, फिल्म वगैरह, रामायण महाभारत और ये सब सुनते हो? हाँ, जैसे पढ़ाई भी करते हैं यूट्यूब के द्वारा। क्या बात है, क्या बात है, देख लीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारा हो गया है टीम वेट, ये हमारी टीम है जो यहाँ की पूरी इलेक्ट्रिकल वायरिंग करके जाएगी आज यहाँ पे। इसको एकदम हम लोग लाइट से चमका देंगे, क्यों जी? और ये है हमारे हेड, इन्हीं के अंदर हम लोग काम करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने प्यार मोहब्बत से ये लोग रहते हैं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से इनका टाइम स्पेंड हो जाता है इधर एक दूसरे के साथ। और देखिए, आखिर क्यों आपको अपने घर से बाहर रहना पड़ा?
ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको यहाँ रहना पड़ा? मजबूरी तो क्या की है, एजुकेशन से रिलेटेड ये पढ़ाई के लिए। हाँ, तो स्टडी के लिए ये कई बार होता है कि दुर्गम एरियाज होते हैं तो इतने मतलब आप अपने घर पे रह के नहीं स्टडी वगैरह कर पा रहे? स्टडी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये अवेयरनेस नहीं होती है वहाँ, ये पता नहीं होता है कि हाँ जो डिसेबल है या जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को किस तरीके से पढ़ाना है, उनको किस तरीके से समझाया जा सकता है, तो इतने फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होते हैं। और दिक्कत ये है कि हाँ जानकारी नहीं होती है, तो जागरूकता के कारण मेरी ये चीज़ें हैं। तो आपको अपने घर की याद तो बहुत आती होगी, अपने मम्मी पापा की, भाई बहनों की? जी, तो घर हम जब हॉलीडे छुट्टी वगैरह होती है, दीपावली पे, होली पे, ऐसे करके जाते हैं, या बीच में जो भी कोई घर पे काम है, फंक्शन है, शादी वगैरह है, तो फिर भी हम छुट्टी लेकर जाते हैं। तो कितने भाई बहन हैं आप? मैं 4 भाई और 1 बहन है। तो सब देख पाते हैं बाकी? बाकी हाँ जी, 2 प्रॉब्लम है उनको भी। अच्छा, उनको भी आँखों का प्रॉब्लम है? हाँ जी। वो भी नहीं देख पाते? नहीं देख पाते। और आपके माता पिता? माता पिता बिल्कुल ठीक है, 2 भाई बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बाकी फैमिली में दादी वगैरह भी बिल्कुल ठीक हैं सब? अच्छा अच्छा अच्छा। फ्रेंड्स, मैंने इन लोगों के साथ काफ़ी बातें की हैं, इनके बारे में जाना है, और सच में बहुत हौसला मिला है, बहुत हिम्मत मिली है इन लोगों के बारे में जान के। अब देखिए, आदमी कोई ना कोई बहाने ढूंढता रहता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और सोचता है कि जी मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, और थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है, कहता है जी बहाना मिल जाता है कि जी मेरे साथ ये मुसीबत आ गई तो मैंने इसलिए काम नहीं किया। अब इन लोगों को देखो, ये लोग भी तो अपने घर पे बैठ सकते थे ना, कह सकते थे कि नहीं जी हमारी तो आँखें ही नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते जी, हम लोग तो नेत्रहीन है, हमें कुछ नहीं करना। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ठाना और यहाँ पर आए हैं एजुकेशन लेने के लिए, कंप्यूटर सीख रहे हैं और भी पूरा 10th कर रहे हैं यहीं पे, 12th कर रहे हैं यहीं पे। देख लीजिए, जिसने जो करना होता ना वो करके रहता है, आदमी घुटने नहीं टेकता मुसीबतों के आगे। लेकिन हम लोग देख लीजिए, थोड़ी सी मुसीबत आ जाए अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और बहाना लगाते हैं, जी ये मुसीबत आ गई थी तो जी मैंने वो अपने टारगेट या अपने लक्ष्य को छोड़ दिया। लेकिन इन लोगों से बात करके और इन लोगों से मिलके एक हिम्मत मिली है, एक हौसला मिला है, और मैंने यही जाना है कि किसी भी हालत में अपने लक्ष्य को मत छोड़ो और घुटने कभी मत टेको। ये प्रॉब्लम्स, ये परेशानियाँ तो जिंदगी भर चलती रहेंगी। ये देखिए जी, लंच टाइम हो गया है और कितने ही अच्छे तरीके से ये लोग लंच कर रहे हैं। ये देखिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए, ये देखिए कितने अच्छे अरेंजमेंट्स हैं इधर, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, लंच टाइम हो गया स्टार्ट और अब हम कर रहे हैं लंच। हम लोग हालांकि अपना लंच का अरेंजमेंट करके आए थे, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती कहने के, निजी आपको आज लंच यहीं करना पड़ेगा। आपको मिलवाते हैं यहाँ के कंप्यूटर टीचर से, जिनकी 17 साल की एज में आँखों की रोशनी पूरे तरीके से चली गई थी और वो हो गए थे ब्लाइंड, और ब्लाइंड होने के बाद उन्होंने कंप्यूटर कोर्स किया और कंप्यूटर कोर्स में उन्होंने मास्टरी की, उसके बाद उन्होंने बच्चों को यहीं पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए मिलवाते हैं आपको यहाँ के ब्लाइंड कंप्यूटर टीचर से। धीरे जी, आपको जब पहली बार ये पता चला कि अब आप आँखों से देख नहीं पाएंगे, तो आपके ऊपर क्या बीती उस समय? देखिए सर, जब मैं फर्स्ट टाइम ब्लाइंड हुआ था, हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगा था कि अब तो इसके बाद मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब मुझे घर पे ही रहना है। अच्छा। और मैं इसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो कुछ भी होगा घर वालों के ऊपर डिपेंड रहूंगा, है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा ही, मतलब अब अंदर से टूट चुका था बहुत ज़्यादा ही। और मैं जैसे क्या हुआ, अचानक ही जैसे बीमार हुआ था, बीमार होने के बाद रोशनी चली गई, इसके बाद काफ़ी दिन तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तो उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं तबीयत काफ़ी सीरियस हो गया था। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा ही कंडीशन सीरियस था। तो वो ये कि जब मैं ब्लाइंड हो गया उसके बाद, तो मैं, मेरे पास ये मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना है, आगे मेरा क्या होगा। अच्छा। क्योंकि मैंने आप किसी भी ब्लाइंड पर्सन को मैंने कभी नहीं देखा था। हाँ, मैंने सोचा कि मैं दुनिया का अकेला ही ब्लाइंड हूँ। मेरी बहुत ही लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन हुई है कंप्यूटर टीचर जी के साथ। इन्होंने सब कुछ बताया, कैसे कैसे इन्होंने स्ट्रगल की, कैसे कैसे टूट गए थे जब इनको पता चला कि आज के बाद से देख नहीं पाएंगे।
पहली बार मतलब इनकी एज थी जब 17 साल, जब इनको कुछ ना कुछ इनकी आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी और नेक्स्ट डे इनको डॉक्टर्स वगैरह ने बताया कि आज के बाद आप देख नहीं पाएंगे। अब बहुत लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन है, अब अगर ये वीडियो मैंने डाल दी तो आप इसको देखोगे नहीं, क्योंकि 10-15 मिनट की वीडियो तो इन्हीं के साथ है। तो मैं क्या करता हूँ कि कोई अलग से व्लॉग बनाऊँगा स्पेशली इन्हीं के ऊपर, तो तब मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या मेरी इनके साथ कन्वर्सेशन हुई और इन्होंने सब कुछ बताया कि कंप्यूटर वगैरह ये कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे सिखाते हैं। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, उसी में आप देखना। फ्रेंड्स हमारे बंदे कितनी एनर्जी के साथ लगे हैं, हालांकि लंच करके मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई है, लेकिन इनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है और बढ़ गई है, और ये शाम तक पूरी वायरिंग कर देंगे। देखिए इन्होंने ऑलमोस्ट वायरिंग तो कर ही दी है, ये देखिए वो सामने, और अब ये पीछे की साइड आ गए, आज शाम तक बिल्कुल कम्प्लीट कर देंगे ये। और ये देखिए हमारे सिंगर भाई से मिलवाते हैं, ये देखिए ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं। कौन सा गाना गाया था पिछली बार आपने दिवाली पे, याद है हम आए थे किशोरी कुछ ऐसा, इंतजाम हो जाए। हाँ जी, एक बार छोटा सा सुना ना कैसे गाया था, बड़ा अच्छा गाया था आपने, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। अरे वाह, दीपावली पे आप दीपावली पे आप आए थे क्या? हाँ हम लोग दीवाली पे आए, जब मैं घर पर चला। अच्छा आप घर पे चले गए, वो मैंने वीडियो देखी थी। अच्छा अच्छा चलिए चलिए। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी टीम ने और हम सब ने ही कह लीजिए कि इस काम को ख़त्म कर दिया है। इस हॉल में इलेक्ट्रिक आ चुकी है और सारी फिटिंग बिजली की हो चुकी है, ये देखिए ये पूरे हॉल में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है, और अभी फ़ैन लगने बाकी हैं, फ़ैन हम फिर कभी आके लगा देंगे। हेलो तो मंडल साहब आपका काम हो चुका है इलेक्ट्रिकल का। थैंक यू सर, आपने बहुत बहुत अच्छा किया, आपने जो ये फिटिंग कराया बिजली का, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, थैंक यू सर। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। सर लिखिए।